कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक नहीं हैं। इनका किसी भी इंसान या घटना से संबंध हो सकता है। अगर आपको किसी प्रकार का संबंध दिखे तो इसे मात्र एक संयोग समझने की भूल बिल्कुल ना करें। हाय गाइस, अरे डरो मत यार, चाय नहीं पूछ रही मैंने तो अपना खुद का खुद फ्रॉम द एपिग्लॉटस खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जिसका नाम मैंने बड़े सोचने के बाद रखा है रिजेक्टेड माल। सुनने में चीप है। इससे पहले कि आप मुझसे पूछें कि इतना वाहियात नाम मैंने किससे पूछ के रखा, तो भाई ये पूछने वाली आदत तो मुझे कभी हुई नहीं। मैंने तो शादी से पहले नहीं पूछा मॉम डैड से, अब तो बेटा भी 2 साल का हो गया है। एनीवे, इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो अपने बारे में बता देती हूँ। इससे जस्ट पहले मैं टीवी एंकर थी, इसलिए उर्दू हिंदी के वर्ड्स इन बिटवीन आते रहेंगे, लेकिन मैं ट्रांसलेट कर दूंगी आपके लिए। लिखने का, एक्टिंग का बड़ा शौक था मुझे, इसी वजह से मैंने इंग्लिश लिटरेचर किया, उसके बाद मैंने टीवी जर्नलिज्म का कोर्स किया, लेकिन किसी भी टीवी चैनल ने मुझे नौकरी नहीं दी। मतलब अगर कुछ मुझे मिला तो वो था रिजेक्शन। तो रिजेक्टेड माल, इसके पीछे बड़े सालों का एक्सपीरियंस है रिजेक्ट होने का। मैंने जब भी अपने दिल की बात किसी से कही या फिर कुछ नया करने की कोशिश की, तो बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। तो रिजेक्टेड तो आप समझ गए, और माल कौन है यहाँ पे, ये तो होगा नहीं। तो सिर्फ सुंदर होना या फिर स्मार्ट होना, ये कोई गारंटी नहीं होती है कि आप को कोई हाँ बोल देगा। और मैं इसका लाइव एग्जांपल हूँ। और सच बताऊं तो मैं ग्रेजुएशन तक भी माल न्यूट्रिशन लगती थी। तो ऐसी पहला क्रश हुआ व्हेन आई वाज जस्ट 15। मतलब करंट जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो लव एंड ऑल दैट स्टफ वेरी नॉर्मल एट 15, बट 19 इयर्स बैक इट वाज नॉट एट ऑल नॉर्मल। प्री बोर्ड्स हो चुके थे, बोर्ड से जस्ट पहले मुझे उस बंदे का नंबर मिला जिस पर मेरा क्रश था क्लास 3 से। मतलब क्लास 3 से क्लास 10 तक सिर्फ देखा करते थे हम उसको, मैं और मेरे जैसी कई और लड़कियां। और मैंने भी बुला लिया भाई साहब को वैलेंटाइंस डे पर, बट वो भी शाना वैलेंटाइंस डे पे मैं बिजी हूँ बोल के 13 को आ गया। एनीवे, उसको तो मना ही करना था, किसी भी दिन आता। और मैं बिना कोई स्टाइल, बिना कोई मेकअप, एवं उठा के पहुंच गई हॉलमार्क पे, कार्ड वार्ड दे दिया आई लव यू एंड ऑल दैट लिख के। फिर क्या था, जब आपके लिए जब मैंने कॉल किया तो उसने बोला कि सॉरी यार मैं इस लायक नहीं हूँ। आई मीन रियली, ऐसे करता है कोई रिजेक्ट किसी को? एटलीस्ट हंस के तो नहीं बोलना चाहिए। मतलब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, और मैं हंसी की टोन में ही बोलूँ तो खैर उसके लिए बड़ी आम सी बात थी शायद। देखिए भाई साहब, मेरा तो पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस चला गया कुछ सालों के लिए। कॉन्कर भी कर लिया मैंने इस रिजेक्शन को 2 साल के अंदर अंदर, लेकिन उसका असर ये रहा कि बोर्ड्स में मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, वैसे कौन सा टॉप कर रही थी। अभी लगता है कि शायद ये जरूरी था, अगर उस दिन उस समय उसने रिजेक्ट नहीं किया होता तो मैं नए लड़कों से या मैं नए लोगों से कैसे मिलती, नए एक्सपीरियंसेस कैसे होते, और इतने सारे रिजेक्शन झेलने की जो हिम्मत होती है वो कहाँ से आती। तो खैर, ये एक छोटी सी स्टोरी थी रिजेक्शन की, जिसने बहुत बड़ा असर किया मुझ पर। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही कुछ मज़ेदार किस्से और लेकर आऊँगी मैं रिजेक्टेड माल पर, तो सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।